आज वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश करा है। करीब करीब 2 घंटे का उनका बजट अभिभाषण रहा, कई प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। हमारे साथ में कुछ वर्किंग वुमेन्स यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे महिलाओं को लेकर जो आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा करी, भले वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, ये कैसे देखते हैं उस बजट को। मैम, आज जो दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया महिलाओं के लिए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, चारों मोर्चों पर उन्होंने कुछ ना कुछ घोषणाएं करी, आप कैसे देखते हैं? जी, मैं बिल्कुल उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, उन्होंने महिलाओं पे पूरा ध्यान दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं, जैसे कि उन्होंने उद्योग में भी महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत सारी अपनी जो है नई नीतियों का घोषणा की है, चिकित्सा में इवन जो बायोपिंक टॉयलेट्स उन्होंने आम जनता के लिए स्पेशली वुमेन के लिए जो उन्होंने प्रावधान दिया, 14 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, तो मैं इस चीज़ को बहुत सराहनीय कदम मानती हूँ। जी, हमारे साथ में 40 वुमेन विंग की चेयरपर्सन भी मौजूद हैं। मैम, क्या कहना? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ 40 वुमेन विंग ललिता कुचल। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा अपन ये नहीं कह सकते कि महिला उद्यमियों के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं है, हाँ जो स्टार्टअप के लेवल पे हैं कह लीजिए, उनकी उन महिलाओं के लिए जरूर या उन युवाओं के लिए जरूर यहाँ पे रोज आप कह लीजिए स्किल के, रोज़गार के प्रावधान दिए गए। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं से लेकर नहीं, अगर हम अलग एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करें जिसमें कमी है महिलाओं के लिए, तो अभी जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए उन्होंने कहा है कि अनाउंस कर रही है अभी, उसमें मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा विशेष इनका जो है ना ध्यान रखा जाए, विशेष सुविधा हमको प्रावधान दी जाए, तभी महिला एक्सपोर्टर्स आगे आएंगी आगे बढ़ के। एक हाँ, एक सराहनीय कदम जो इन्होंने अभी किया है कि 1.5 लाख, क्योंकि अभी कृषियों का बहुत ज़्यादा किसानों को लेकर बहुत देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो 1.5 लाख जो अपन किसानों को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सॉरी 5 लाख किसानों को, 5 लाख किसानों को इन्होंने कहा है कि ऋण मुक्त जो अभी लोन दिया जाएगा वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि देश में किसानों को आगे बढ़ाएंगे और उनको सुख सुविधाएं इस तरीके की मिलेंगी तो शायद हमारा देश बहुत और ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। थैंक यू सो मच। महिला एक गृहिणी भी होती है, घर भी संभालती है, तो कहीं ना कहीं गृहस्थ महिलाओं को या गृहिणियों को या आप लोगों को भी ये होगा कि शायद LPG जो गैस है उस बारे में कोई भी घोषणा नहीं हुई, मतलब बहुत ही शॉकिंग था कि इस बारे में किसी भी बारे में बात ही नहीं की गई कि जो महिलाएं हैं और बहुत सारे अपना सेविंग्स भी करती है, उस सेविंग्स को लेके या फिर आपको जो है क्या प्रॉफिट हो सकता है, तो कुछ भी इस बारे में कहीं बात ही नहीं की गई। पेट्रोल डीजल की रेट्स को लेकर, LPG को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। हाँ, उम्मीदें तो थी, लेकिन अभी उसमें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उम्मीदें हमें सरकार से हर बार बहुत रहती है और सजेशंस भी हमसे मांगे जाते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट कितना होता है वो देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन फिर भी हम पूरा ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं किया, किया है। जैसे एविएशन फ्यूल जो है उसके वैट में अभी इन्होंने उसमें जो है कम किया है, तो उससे क्या होगा, एविएशन फ्यूल और ये CNG वैट में कम किया है तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क आएगा, ट्रैवल में फ़र्क आएगा, तो हो सकता है वहाँ पर हमको जो है ना कीमतें कम होंगी, तो वो एक ठीक है, अच्छा कदम है। देखते हैं आगे फिर और सरकार और क्या LPG और ये जो एक धरातल की चीज़ें हैं, जो एक रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, उन पे क्या काम करती है। रोज़मर्रा की जो है हमारी जो घरेलू चीज़ें होती हैं जैसे कि राशन है या इन सब के बारे में जो बेरोज़गार महंगाई जो बढ़ रही है उन बारे में कोई बातें नहीं की गई, सो बड़ा वो थोड़ा सा हमें लगा कि इस बारे में भी बात होनी चाहिए थी। बजट पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने महिलाओं से बात करी कि महिला वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए क्या दिया, तो मिला जुला हम कह सकते हैं प्रतिक्रिया सामने आई है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की, उद्यमियों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की। आत्माराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उद्यमों के लिए और विशेष तौर पर राजस्थान के उद्योग जगत के लिए क्या कुछ आपको लगा? देखिए, माननीय दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है एक पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक बजट साबित होगा ये, और 20 साल के अंतराल के बाद पहली बार कोई वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया है, और इसमें जो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर फोकस डाला गया है, 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नए रोड्स के विकास के ऊपर लगाने की बात की गई है, नई इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़े, व्यापार बढ़े, और वन डिस्ट्रिक्ट वन इंडस्ट्री वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वो लाने की बात की गई ताकि हर ज़िले के ऊपर फोकस जाए, सारे ज़िलों के ऊपर। साथ साथ एमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं ताकि एमनेस्टी स्कीम के तहत लाभ मिल सके, पुराने मुद्दे जितने थे 2017 तक के जो पुराने वैट के मुद्दे थे उनके 10 लाख तक की डिमांड थे उनको माफ़ किया गया है। इसी के साथ साथ चूँकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर से हूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत कुछ इन्होंने किया है आपके, कि स्टैम्प ड्यूटी का जो 50 लाख तक के जो आवास कोई आम आदमी खरीदता है
उसके ऊपर 6% से घटा करके स्टैंप ड्यूटी की रेट 5% की गई है। TDR पॉलिसी अब लागू होने जा रही है, पहले की थी लेकिन अभी तक इफेक्टिवली लागू नहीं हुई थी, तो TDR के ऊपर रजिस्ट्रेशन शुल्क मुक्त किया गया है और TDR के ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी की रेट है वो भी घटा करके 2% की गई है। ये बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी ताकि एक इंडस्ट्रियल हाउसिंग डेवलपमेंट हो सके। स्टैंप ड्यूटी के ऊपर भी एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है ताकि उसमें भी विवादित जितने मुद्दे हैं ब्याज पेनल्टी की राहत मिल सके। फायर सेस के ऊपर एक विशेष राहत दी है कि फायर सेस के जो NOC ली जाती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के अंदर, उसमें 50 रुपये की रेट थी, उसे घटा करके इन्होंने 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर किया गया है, तो स्वागत योग्य कदम है। इस तरह से हर क्षेत्र में, न केवल ये एजुकेशन की बात करें, कृषि की बात करें, हर क्षेत्र में इन्होंने टच किया है, तो मैं समझता हूँ ये चहुमुखी विकास वाला उन्मुक्त बजट होगा और राजस्थान एक पंख लगा के आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। सर, उम्मीद थी आम जनता को, अगर हम आम जनता के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल या LPG उस पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन हाँ CNG और एविएशन जो फ्यूल है उस पर ज़रूर बात की गई, उसे कैसे देखते हैं? पेट्रोल डीजल के लिए भी बहुत समय से मांग की जा रही है, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, स्टेट से मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टेट में दिल्ली में और राजस्थान में रेटों में डिफरेंस है, राजस्थान का डीजल पेट्रोल रेट ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी मेरा आपके माध्यम से कहना होगा, उस पर भी विचार किया जाता है, तो निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य कदम होगा और इससे इंडस्ट्रीज को और बल मिलेगा। थे हमारे साथ आत्माराम जी, और ज़रूरी बात यह है कि हमने महिलाओं से भी बात करी और जो उद्योग जगत से जो लोग आते हैं उनसे भी बात करी, सभी का कहना है बजट अच्छा ज़रूर है और सबने इस चीज़ की तारीफ करी है कि राजस्थान में 20 साल बाद एक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, ना कि किसी मुख्यमंत्री ने। लेकिन इस बजट में जो बहुत बुनियादी जो चीज़ें हैं, जैसे उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल LPG की रेट्स की बात की जाएगी लेकिन वो बात नहीं की गई, हालाँकि CNG और जो फ्यूल जो एविएशन में जो फ्यूल यूज़ आता है उसे ज़रूर सस्ता किया गया है। और इंडस्ट्री के लिए जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने वाली है कि स्टैम्प ड्यूटी में कमी की गई है जिससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, ये 50-50 बजट इसको अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।